22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। शिव भक्त इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन का महीना खास तौर पर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सावन में महादेव की पूजा के साथ साथ उन्हें अपनी राशि के अनुसार भोग लगाने से जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होने लगती हैं। साथ ही इससे भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। इसी कड़ी में लोकली टीम ने देवघर के पागल बाबा आश्रम के मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि सावन में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक या जल अभिषेक जरूर करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पण करना चाहिए। इसी कड़ी में आप अपनी राशि के अनुसार किस चीज का भोग लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। आने वाले सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को अपनी राशि के अनुसार भोग जरूर अर्पण करें। मेष राशि वाले जो हैं, वह गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ के साथ चना मिला लें और गुड़ चने का भोग लगाएं। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले भोग में दही का प्रयोग अवश्य करेंगे, भगवान शंकर को दही का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले इमरती का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी करें और भगवान भोलेनाथ को भोग भी लगाएं। सिंह राशि वाले खीर का भोग लगाएं। कन्या राशि वाले मालपुआ भगवान को चढ़ाएं, मालपुआ भगवान को अति प्रिय होता है। तुला राशि वाले पंचामृत दूध दही गुड़ मधु और घी मिला करके पंचामृत बनाएं। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा पंचामृत का भी भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लड्डू का भोग बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए पेड़ा का महत्व है, पेड़ा का भोग धनु राशि वाले लगाएंगे। मकर राशि वाले मिश्री का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले हलवा और पूड़ी ला करके भगवान को अर्पण करें, भगवान को चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। और मीन राशि वाले ठेकुआ का भोग यदि लगाएंगे तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर की सावन में विशेष पूजा का महत्व है। पूजा के साथ बिलपत्र फूल एवं भोग अवश्य अपने राशि के अनुसार लगाएं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत की रिपोर्ट।